अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब पर आप देख रहे हैं इस वक्त जकी ग्राफिक्स। तो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूं ई प्लस एच प्लस ई पॉलीगॉन लोगो जो है हम लोग रेडी करेंगे, और ये लोगो हम पॉलीगॉन की मदद से जो है वो क्रिएट करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप ई प्लस एच प्लस ई को जो है वो पॉलीगॉन की मदद से कैसे क्रिएट करेंगे। बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप पे जो है वो बताऊंगा। तो गाइस, मैंने इसका स्केच जो है वो पहले से जो है वो रेडी करके रखा है कि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना ले सकूँ। तो गाइस, इसमें जो है मैंने 12 लाइंस लगाई हैं और इनका स्केच मैंने कुछ इस तरह से रेडी किया। पहले सीधी लगाई हैं, फिर लेफ्ट से राइट लगाई हैं और फिर इनको पॉलीगॉन के मुताबिक रोटेट किया। तो गाइस, ये बहुत ही इजी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्केच हमने पहले से रेडी कर रखा हुआ, अब बस इसमें हमने अपना लोगो जो है वो क्रिएट करना है ई प्लस एच प्लस ई। तो चलें गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, इनको मैं करूँगा सेलेक्ट, और अगर इनका आप साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा करना चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। तो गाइस, इसका साइज जो है मैंने छोटा कर लिया है और अब मैं इसमें करूँगा वर्क। तो गाइस, इसको सेलेक्ट करते हुए मैं पॉलीगॉन लूँगा और इसमें मैं जो है वो ब्लैक कलर को फिल कर लूँगा। आप कोई भी फिल कर सकते हैं गाइस। तो गाइस, चलें स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोगों को भी नज़र आए। और गाइस, सबसे पहले मैं जो है वो ई को क्रिएट करूँगा, उसके बाद एच को करूँगा, फिर उसके बाद ई को करूँगा। तो गाइस, चलें स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ गाइस। पॉलीगॉन लूंगा और ब्लैक कलर इसमें फिल कर लेता हूँ। तो इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक साइड पे ले आता हूँ, और ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा, इसको मैं रिमूव कर दूँ।
ट्रांसफार्म में जाके रोटेट करूंगा। ओके डैट्स गुड। और इसमें वाइट ही रहने दूंगा गाइस। और